बड़ी बेचैनी हो रही है, अब तुमसे मिलने का मन कर रहा। सही कह रहा यार, कुछ जुगाड़ कर मिलने का। एक आइडिया है। आइडिया? शांति खीर लेकर आई थी और वह डिब्बी चौकी में धरी है, उसके बहाने चलते हैं। हाँ ठीक है, ये ठीक है भाई, पर चलेंगे चारों। पक्का? पक्का। सो जाओ फिर, जल्दी उठना। अरे हाँ भाई, अरे रात जो प्लान बनाया चले। हाँ यार चलो, अभी देखते हैं। यहाँ तो रखी थी, कहाँ गई? अरे सुबह सुबह कार ढूंढ रहे हो तुम लोग? अरे यहाँ डिब्बी रखी थी। कौन सी डिब्बी? कल शांति खीर लेकर आई थी इसमें। अरे वो तो मैंने तेवतिया के हाथ में देखी, वो लेकर जा रहा। हाँ है क्या कोई? हाँ जी बताइए, क्या ये लो, आपकी डिब्बी चौकी में रह गई थी। अच्छा। वैसे आपकी बहनें दिखाई नहीं दे रही। आप मेरी बहनों को देखने आए थे क्या? नहीं, देखने तो मैं आपको ही आया था। सच्ची? अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं आइए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। हमें कौन चाय पिला रहा है? मैं पिला तो रही हूँ आपको चाय। चलिए। हेलो, की हो रहा है? वो मैं आपकी डिब्बी देने आया था, ये चौकी में रह गई थी ना। अच्छा डिब्बी चौकी में रह गई थी। दीदी फिर मैंने सोचा कि चाय बना के पिला दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चाय क्यों, बिस्कुट भी होने चाहिए। अरे नमकीन भी होने चाहिए। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कब कहा कि कोई बात है? चलिए आइए, चाय पीजिए, बैठिए, आइए आइए बैठिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, खाइए। अब खड़ी क्या है, जाके चाय बना ले जल्दी। ठीक है बनाती हूँ। अरे तू कैसे लाया डिब्बी? मैंने सोची बड़े भाइयों को कुछ काम कर दूं। अच्छा तू बड़े भाइयों का काम बिगाड़ना आया या बनाना आया? अगर डिब्बी लाने से किसी का काम बनता है तो आपको क्या दिक्कत है? है? काम बन गया? चाय बन रही है, आ जाओ आप सब भी पी लो। चाय बन रही है भाई? हाँ। चलो चाय बन रही है तो पी लेते हैं, वैसे हम किसी के घर ऑन ड्यूटी चाय पिए नहीं करते। आइए आइए बैठिए, आज ऑन ड्यूटी पी लीजिए। आइए। ना भाई बड़े भाइयों की मदद बहुत कर रहा तू है। ऐसी करता रहा मैं। चौकी में चल के रिव्यू करेंगे। भाई देखियो इनके घर तो पुलिस भी आने लगी। अबे इस गांव का क्या होगा, ऐसे तो माहौल खराब हो जाएगा। सर आप यही सोच रहे हो ना कि शांति भाभी दिखाई नहीं दे रही, वो सर बाहर गई हुई है। यार ज्यादा दिमाग मत लगाए करो, मैंने तेरे से पूछ जाके कि शांति कहाँ गई है। अरे मैं मुकदमे के बारे में सोच रहा हूँ, अपना काम करो। लो सर आप चाय पियो। हाँ माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। भैया मैंने तेरे लाख एक लड़की पसंद कर दी। आप ठीक तो सर? इसे क्या हो गया? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ सर। पानी लाऊं क्या? अरे नहीं नहीं कुछ पानी। क्या हुआ सर? हेलो हेलो
यार, माँ ने मेरे लिए एक लड़की देख ली। सर फिर वो शांति भाभी का क्या होगा? अरे तुम यार ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, शांति भाभी का क्या होगा मुझे सोचने दो। खीर बहुत अच्छी बनी थी। मावस पे फिर बनेगी, खिंचवा दूंगी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। और गांव में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ सब बढ़िया है। आजकल क्या हो रहा है, इन लड़कियों के घर पुलिस आ रही है, अब क्या होगा इस गांव का? भाई अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव बिगड़ जाएगा। आज पुलिस वाले इनके घर आ रहे हैं, कल को तुम्हारे घर आने लगेंगे। ध्यान दो वरना गाँव की लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी। तुम सब मिलकर इन पुलिस वालों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? आवाज़ उठाओ, सोचेंगे कुछ। हाँ चलो ठीक है, राम राम। हेलो। हाँ माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ के कह रही थी तू? बेटा मैं नू कह रही ही, मैंने तेरे लिए एक लड़की देख ली है, बहुत ही सुंदर सुशील है लड़की, तेरी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी उसकी गैल। माँ मुझे नहीं करनी शादी अभी। देख बेटा मुझे नहीं सुननी तेरी एक भी, तेरी उम्र निकली जा रही है, तू कब ब्याह करेगा? मैंने तो वो लड़की फाइनल कर दी और मैं देखने जाऊंगी उस लड़की को। माँ माँ हेलो माँ बस भैया यही रोक दे, यही उतरूंगी मैं। ले भैया पैसे। सुनिए बेटा तू साइकिल फुटी जा रहा क्या? हाँ जी। बेटा मुझे बैठा ले, मत तक मैं वहीं जा रही हूँ। आ जाओ बैठो, आराम से बैठियो। चल भैया। माता जी मेरी तो चौकी आएगी, मैं तो यहीं तक जाऊंगा, सामने गाँव में। भैया तू यहाँ लोर लिया आया, थोड़ा सा गाँव में को और छोड़ दे मुझे, भगवान तेरा भला करेगा, जी तारा बना रहे तो थोड़ा सा और छोड़ दो मेरे बच्चे। चलो ठीक है। कितनी दूर है घर उनका? बस आए लिया। अच्छा। माता जी यही घर है? ये घर है। हाँ जी ठीक है बेटा, जी तारा बना रहे तो धन्य, मैं यहाँ तक छोड़ दी। ठीक है। हाँ जी बताओ क्या बात है? बेटा ये शांति का घर है। हाँ जी, हाँ जी ये शांति का घर है, आइए बताइए क्या बात थी? बेटा आपके घर में कोई बड़ा ना है? नहीं बड़ी तो शांति दीदी है, लेकिन वो अभी खेत पर गई है। आइए आप बैठिए, बताइए क्या बात थी? बेटा मैं शांति का रिश्ता लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए। रिश्ता? शांति दीदी का रिश्ता? शांति दीदी का रिश्ता? इन्हें क्या हो गया, शर्मा की दिखे है मुझे लग रहा। आप
क्या होगा दीदी, हम तो ये चाहते हैं कि शांति दीदी की शादी दरोगा से हो। ये बात कैसे भी करके चौकी तक पहुंचानी पड़ेगी। उन्होंने नंबर तो दिया है, फोन कर लो। अच्छा, वो टेम्पो को क्या रहा पकड़ा था? सर उसका चालान कर दिया था। ठीक है, और वो बिना नंबर की गाड़ी? वो तो सीज कर दी सर तभी। अच्छा, कोई आया? अभी तो कोई नहीं आया। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं चंद्रो बोल रही हूँ। हाँ चंद्रो, कैसे करा फोन? मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे एक बुढ़िया है, शांति दीदी का रिश्ता लेके है, अब क्या करें? अरे क्या कह रही हो, तुम लोग कुछ करो जो ये बुढ़िया यहाँ से भाग जाए, और हम लोग भी कुछ करते हैं, और ये रिश्ता होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ड्रामा करते हैं। पर हाँ। करेंगे क्या, उस बुढ़िया को भगाएं कैसे? हाँ। मैं बताती हूँ, उसे वो नहीं आया था जुल्फी सा, शांति दीदी का रिश्ता लेके, उसे हमने कूट के भगा दिया था। उसकी सिगरेट रह गई थी। अरे हाँ। वो तो मुझे वो, अरे ये नहीं दीदी सिगरेट। हाँ अब चलो। तो आज गश्त पे कौन कौन है? सर आप जिसे कहोगे वो चला जाएगा। सर तो शांति को कोई देखना आया है? तू तो हमेशा मनुष्य खबर दिया कर, कभी कोई अच्छी खबर भी दे दिया कर। हाँ जी सर, अभी अभी एक बुढ़िया को मैं उनके घर छोड़ कर आया हूँ, अगर मुझे पता होता ना रिश्ते को आई है तो मैं उसे कहीं और उतार आता, ये तो साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। क्या सर अब क्या करें? अरे मुझे क्या पता क्या करें, तुम लोग देखो क्या करना है। अगर शांति की सगाई होगी कहीं और तो मैं तुम्हारी सगाई भी नहीं होने दूंगा, याद रखना। ना सर ऐसा मत कहो, इतना जुलम मत करो। सर आपकी कसम खा रहा हूँ, इसकी कसम, इस चौकी की कसम, अपनी माँ की कसम, मैं इस रिश्ते को होने दूंगा। शाम तक इस रिश्ते को तोड़ने की सूचना आप तक पहुँच जाएगी सर। अगर मुझे वो बुढ़िया मिलेगी ना मैं उसका गाई दबा दूंगा सर, फिर तो टूट जाएगा। अरे जाओ। सर गश्त में किसका नाम लगा? शांति। अरे यार जा, गश्त बाद में हो जाएगी। अब मोटरसाइकिल पे ही है। सही कह रहा हूँ साहब, ये मामला ज्यादा कर रहा, गश्त तो उठती रही। अरे भाई कोई खातिरदारी करो, चाय वाय बनाओ, रिश्ता लेके आई है शांति दीदी का। कला चाय बना के लेके आ। मैं ना बना रही, तू ही बना ले, पहले वो बुढ़िया आई ना उसके लिए मैंने चाय बनाई। मुन्नी चाय बना के लेके आ। मैं नहीं बना रही चाय, पहले जो बुढ़ा दीदी को देखने आया था मैंने उसके लिए चाय बनाई थी, वो मेरी चाय पीते ही बेहोश हो गया था। हे भगवान। अरे कोई सी जाके शांति दीदी के लिए हुक्का भर लो, आते ही पिएगी वो। कला हुक्का भर ले। मैं ना भर रही हुक्का, हुक्का मेरे अंदर तो माता आ रही है। ए लड़कियों, एक हफ्ता हो गया तुम चौकी में हाजिरी देने नहीं आई। हाँ हाँ हाँ, हम शांति दीदी के आते ही आ रहे हैं चौकी में। और हाँ शांति को भी लेकर आना। ओ बेटा पुलिस वाले, ओ भैया मुझे लेकर चलिए गया। अरे माता एक सिगरेट सुलगा दे, चिलम तो है ना अभी। अरे कोई मर जा, अरे माता चाय पीती जा। हरी चाय पीऊंगी पाप। अरे माता, ओ भैया पुलिस वाले तू मुझे अड्डा तक छोड़ दे। अरे तू ही तो लाया था मुझे यहाँ, मैं यहाँ कहाँ भूतड़ी में फंस गई, मुझे छोड़ दे भैया, तू तेरा भला करे भगवान। चल माता जी मेरी बताए ध्यान न रही, मैं ही भूल गया, ये तो तुम बहुत गलत घर में आए है। बेटा तू मुझे छोड़ दे, भगवान तेरी लंबी उम्र करे। आ जाओ, जैसे मुझे ध्यान आया ना मैं तो तुरंत चौकी से भागा तुम्हें लेने। चल बेटा तू छोड़। बैठ लो, बैठ जाओ, अड्डे भी छोड़ गाऊंगा सीधा। चल कहाँ पागल फंदे में, चल छोड़ के आ जा तू, फिर रास्ते में मिलूंगा मैं तुझे। ठीक है ठीक है।
माता जी ज्यादा देर रुकना है ठीक ना, जो भी पहली सवारी आएगी उसमें बिठा दूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा, जी तरह बना रहे, भगवान तेरी लंबी उम्र करे, खूब तरक्की करे तू। लो मयूरी, ओ मयूरी वाले रोके भैया, माता जी को ले जा। चल भैया, बस आने में तो टाइम लगता, ठीक करा, बस ही बता दूंगा। सर इस दहेज वाले मुकदमे में किस चीज का नाम डालें? अरे मामला दहेज का नहीं यार, प्यार का मामला है। सर आप दहेज वाले मुकदमे के बारे में जानकारी दे रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, किसका था ये? सर शाबाशी दो हमें, पीठ थपथपाओ हमारी, तुलवा दिया रिश्ता। अच्छा? सही में? सही में बिल्कुल। तो गजब कर दिया राजीव यार तने, भाई वाह कमाल, हो गया ना मामला? हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन। थैंक यू सर। सर इस बात पर तो मिठाई हो जानी चाहिए। हाँ भाई ले आओ मिठाई खाओ। हाँ तो तू क्या लिख रहा था, दहेज का मामला है? सर जब आपने ये काम सौंपा था ना, तो मैंने जब ही सोच लिया था कि सर ने पहली बार कोई काम दिया है, अगर ये काम ना हुआ ना तो दोबारा इस चौकी को लौट के नहीं आएंगे, नौकरी छोड़ देंगे अपनी, और उस बुढ़िया को बस में बिठाने के बाद सीधा बोल दिया ड्राइवर से, अगर इस बुढ़िया को 2-4 किलोमीटर के दायरे में भी उतारा है ना चालान काट दूंगा। ठीक किया ना सर मैंने? चल ठीक है ठीक है। हाँ भाई क्या मामला दिखा रहे? चाय भी बोलिया है ना सबको? हाँ आपके खाते में यार। हाँ भाई तो दहेज का मुकदमा था, कितने नाम लिख दिए इसमें तूने? चार नाम है। अच्छा हाँ माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा, मैं तेरे को लड़की देख का ही, बड़ा ही बेकार परिवार। अच्छा कहाँ गई थी तू? साकल फूटी गांव में भैया। कर दिया ना नस? सर के हुआ लड्डू कड़वा था के? मेरी माँ थी वो। क्या आपकी माँ? सर मैं तो देखती समझ गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ हो सकती है। मैंने पुष्पंदर से कहा था कि ये तो बिल्कुल सर की माँ लग रही है, इसलिए सर मैं उसको बाइक पर बिठाकर गांव तक लेके गया और उसके बाद छोड़कर भी आया, और मैंने बोल दिया ड्राइवर से कि ड्राइवर माँ का ध्यान रखना, और जाते हुए मैंने तो उनके चरण भी लिए थे। और रही बात शांति जी की, अरे सर कौन सी बड़ी बात होगी, बेटी बाप के घर है, और एक बात सबसे बढ़िया ये है माँ घर की है, हमें बाहर से नहीं लानी, दोबारा ले आएंगे। एक फोन करूंगा सीधा साकल पुट्ठी में छोड़ कर जाएगा बस वाला। चुप! अरे के बात है, क्या हो गया, बड़ा हंस रही हो आप, बताओ क्या हो गया? दीदी आपको एक बुढ़िया रिश्ता लेके आई थी, हमने तो उसे डरा के भगा दिया। अच्छा मुझे देखने आई? अच्छा ऐसा के कर दिया, कैसे भागी वो बुढ़िया? दीदी हमारे मुंह में जो आया हमने तो वो बक दिया उनके सामने, और मैंने तो सिगरेट सुलगा ली थी, और हम तो आपस में चाय के ऊपर ही लड़ पड़े थे, और दीदी मैंने तो उसके सामने ये तक कह दिया कि शांति दीदी आती होगी हुक्का बना लो मारेगी। और मेरे दीदी मेरे अंदर तो मात आ गई, मैंने मास्क वगैरह के बुढ़िया को डरा के भगा दिया। दीदी बुढ़िया तो बिना चाय पिए ही भागते। अच्छा जब तुम लोगों ने इतना उसके साथ कर दिया तो भाग नहीं था। अरे लेकिन ये बुढ़िया थी कौन, इसे मेरे रिश्ते के लिए कौन लाया, गांव में तो सब हमसे चिड़े हैं। दीदी वो यूं बता रही थी, आपने उसके पास कभी चोरों से बचाया था। अच्छा ये वो बुढ़िया है, अरे मैं मामा के घर जा रही थी तो बस अड्डे पे एक चोर इस बुढ़िया का पर्स लेके भाग रहा था, हमने पकड़ लिया। अब मुझे क्या पता था ये बुढ़िया मेरा रिश्ता लेके हमारे घर ही आ लेगी। अच्छा चोर से बचाया। हेलो। हाँ माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते।
अच्छा मैं कह रहा था अकमा ने कभी कोई काम तेरी मर्जी के खिलाफ तो करा ही नहीं है, जो तेरी मर्जी हुई वही करा, तो मैंने सोचा ब्याह भी तेरी मर्जी से ही क्यों ना करूं। तू जो छोरी देख के आई है मैंने सोच रहा हूँ वही ठीक है, तू उससे मेरा ब्याह तय कर दे, उससे ही कर लूंगा मैं तो। ना बेटा मैं उस घर में रिश्ता ना करूं तेरा, अरे वो तो पागलों का परिवार है, वे लड़की तो बिल्कुल पागल है, उनकी तो चौकी में पैसी लगे और आदमी इनकी तरह सिगरेट पी रही थी, वे ऐसे धुआं छोड़ रही थी कि आदमी छोड़ रहे। अरे मैं बड़ी मुश्किल से हूँ पीछा छुटा कर आई उस घर से, भैया मैं ना जाऊँ उस घर में दोबारा, और ऐसे घर से तो रिश्ता करने से तू कुआरा रह ले तो ठीक। माँ ऐसी कोई बात ना। यू बात ना मानू मैं तेरी। हेलो माँ। चल ठीक है। मैं भी यार कितना बड़ा गधा हूँ, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, अपना ही रिश्ता तुड़वाने के लिए भेज रहा हूँ। कैसे बात बनेगी। हाँ नेताजी बुलाया आपने मुझे। हाँ कुछ हुआ उन लड़कियों की जमीन तेरे हिस्से में कुछ आएगी भी या नहीं आएगी। अजी अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ करते भी हैं तो दरोगा उनके सपोर्ट में है। तेरे से तो कुछ नहीं होगा पर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल तुझे। अरे सचिन जरा वो रोकी को फोन लगा, अब इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। अरे मैं थाने तक जा रहा हूँ भाई। सर मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं तुम यहीं रहो, क्योंकि एक आदमी तो यहाँ हेड चाहिए और एक निगरानी पे भी चाहिए, ये त्यागी भी नहीं है आज और अंजू भी नहीं आई है। हाँ दो आदमी गांव में जाने हैं, यहीं रहो मैं खुद होके आ रहा हूँ। ओके सर। अरे वंश की छुट्टी का टाइम हो गया, तुम में से कोई लेने ना गया उसे? हाँ दीदी काम में लगे लगे टाइम का पता ही ना चला, चलो मैं लेके आऊँ। तू रहन दे मैं ले आती हूँ। ठीक है दीदी। दीदी बचाओ, दीदी कहता हूँ रुक जाओ। हाँ हाँ जल्दी करो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अच्छा वो आप समय पे आ गए, पर ना पता ना क्या हो जाता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारा तो एक ही भाई है, हम तो जी भी उसी के लिए रहे। तुम घबराओ मत कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं घबराओ। देखिए टांके मैंने भर दिए जी और हाथ नस जो है हाथ की कट जाने की वजह से ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उसके लिए आपको एक यूनिट ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा। अब ये बताओ आप में से ब्लड कौन देगा? मैं देता हूँ जी। आइए आइए। अब उस नेता को फ़ोन मिला, वो बहुत दूर दूर तक अपनी पहचान बता रहे, कुछ इलाज करवाओगा मेरा। अरे सचिन जी नेताजी वो दिल्ली वाली मीटिंग का क्या रहा? वो तो नेताजी कैंसिल होगी। कैंसिल हो गई? हाँ जी रोकी का पुनरा नेताजी। हाँ रोकी। नेताजी हमने अपना काम कर दिया है,
पर बीच में दरोगा आ गया था और उसने रोकी को गोली मार दी। हम वहां से अपनी जान बचा के भाग के निकल गए हैं, पर हम जंगल में एक ट्वेल पे आके छुप गए हैं और उसके इलाज का इंतजाम करो, किसी डॉक्टर को भेजो या कुछ भी करो, उसका बहुत खून बह रहा है। ठीक है, तो तुम उसका इलाज कराओ और जो भी पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा, और इस दरोगा के बच्चे को तो मैं देख ही लूंगा, क्योंकि मेरे नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े अच्छे संबंध है। लेकिन हाँ, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, काम होना ही चाहिए। ठीक है ठीक है, बोल दिया है मैंने। इधर आओ, एक आदमी को गोली लगी है और वो भाग गया है, और किसी हॉस्पिटल में तो वो जा नहीं सकता क्योंकि पुलिस केस है। वो इलाज कराएगा तो कहीं छुप के प्राइवेट डॉक्टर से ही करा सकता है, तो अपने एरिए के सारे मेडिकल स्टोरों पे निगाह रखो, क्योंकि उसमें कॉटन और बैंडेज सबसे ज़्यादा यूज होगी। तो किस मेडिकल स्टोर से उसने कॉटन और बैंडेज लिए उसके आसपास ही वो मिलेगा, इसलिए सारे मेडिकल स्टोरों पे निगाह करो और ध्यान रखो कि कहाँ से ज़्यादा कॉटन खरीदी गई है और बैंडेज खरीदी गई है। और अपने एरिया के सभी आरएमपी और जो लोकल डॉक्टर होते हैं उन पे भी निगाह रखो। हम उसे ऐसे ही पकड़ सकते हैं, और कोई तरीका तो है नहीं अगर वो हमारे एरिए में है तो। मैं तो यही सोच रहा हूँ। ठीक है सर। सालो, तुम पे एक काम भी ढंग से नहीं होता, और जहां छुपे हो ना बस वहीं छुपे रहना। दरोगा तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है, अगर उसके आसपास भी दिखाई देगा ना कहीं पे तो जान से मार देगा। मैं तुम्हारे इलाज के लिए खर्चा और भिजवा दूंगा, मगर देखना नहीं, जहां छुपे हो बस वहीं छुपे रहना। ठीक है साले, खुद तो मरेंगे साथ में मुझे भी मरवाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये फल तो मैं इसके लिए ले आया, और कुछ खाने के लिए लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। चलो खा लेना जब भी भूख लगेगी। तबीयत कैसी है इसकी? हाँ अब तो ठीक है, मेरे से बात भी की थी और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सुबह घर ले जा सकते हैं। ओके ओके। अच्छा तुम्हारे हिसाब से किसने किया होगा, किसी पे शक है तुम्हें? मुझे क्या पता, आज तक तो कभी इससे पहले ऐसा हुआ ही ना। तुम्हारी किसी से रंजिश हो, दुश्मनी हो? ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ सभी चिढ़े हैं हमसे तो। अच्छा रात काफ़ी हो गई है, अब आप भी अपने घर चले जाइए, आपकी घरवाली इंतज़ार करती होगी। मेरी शादी नहीं हुई है अभी। हाँ ये ज़रूर है कि मेरी माँ को एक लड़की पसंद आई थी। मेरी माँ एक दिन बाज़ार में जा रही थी और किसी ने उसका पर्स मारा और उस लड़की ने उस चोर को पकड़ा। मेरी माँ को वो लड़की पसंद आ गई, मेरी माँ उनके घर पहुँच गई, लेकिन उसकी बहनों ने कुछ ऐसा ड्रामा किया कि माँ को वहाँ से आना पड़ा वापस। अच्छा वो आपकी माँ थी? हाँ वो मेरी माँ थी। मेरी माँ को तो बहू के रूप में बहुत पसंद थी, पर पता नहीं उसे मेरी माँ सास के रूप में पसंद थी या नहीं। मेरा सौभाग्य होगा अगर वो मुझे सास के रूप में मिल जाए तो। ये जानकर मेरी माँ को बहुत खुशी होगी। हेलो
माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा माँ, मेरा एक काम करेगी? हाँ, क्या काम है बेटा? माँ, जिस गांव में तू छोरी देखने गई थी ना, मैं उसी गांव में चौकी पे हूँ। तू मेरे कहने थे एक बार आ जाइए वहाँ। क्या काम है बेटा? माँ तू आ जाइए ना जब मैं कह रहा हूँ। चल ठीक है, तू कह रहा तो मैं आ जाऊंगी। वैसे तो तू कभी बताता ना मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। तू मुझे पहले से बता देता तो मैं उस दिन गई थी उस गांव में, मैं तेरे से मिल के ना आती। ठीक है, तू आ जाइए कल। चल ठीक है, आ जाऊंगी। ठीक है माँ, नमस्ते। प्रधान जी, राम राम। राम राम। हाँ प्रधान जी, कैसे कैसे याद करे आज? अरे कैसे याद करते, तू एक बात बता सतपाल, तुझे कुछ शर्म लिहाज गैरत रही नहीं रही? अरे जिन बच्चों का तुझे सहारा बनना चाहिए था, है उन बच्चों का कत्ल करवाने की सोच रहा? भाई भाभी के गुजरने के बाद इन्हें पढ़ाता लिखाता, इनका सहारा बनता, और तू इनके साथ यूं सब कर रहा? अरे शर्मा जा, कर ले शर्म किसी बात की, इस जमीन को खा के मरेगा के? या जो बदनामी लेगा ना, साथ पुस्तोलो ना हटे, समझ गया? बहुत गलत करा तेने, ए मासूम बच्ची। अरे उनके माँ बाप गुजर गए थे, तेरी तो जिम्मेदारी थी, और तू भी अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। अनुसोच रहा उनका कत्ल करवा दूं, कहाँ ले जाएगा जमीन जायदाद? अरे एक बात तो सुन, भाई के बच्चे अपने ही तो बच्चे हो, उनकी बदनामी तेरी बदनामी ना है क्या? यह बात तेरी समझ में ना आ रही? कहाँ गए थे आप? वो प्रधान जी ने बुलाया था मुझे। क्या कह रहे थे प्रधान जी? बोल रहे थे कि हमने बच्चों के साथ बुरा करा, हमें उनका सहारा बनना चाहिए था। के सहारा बने उनका? उन सांडियों ने सारे गांव में हमारी बेइज्जती करवा के रख रखी, और एक वो लड़का भी ना मरा, मर जाता तो सही रहता। चुप! तुम सबने मेरी बुद्धि खराब कर दी। जमीन के लालच में मुझे अपनों का ही दुश्मन बना दिया, जबकि उनका हमें पालन पोषण करना चाहिए था, हमें उनका सहारा बनना चाहिए था। आज हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। देख रहे हो गांव वालों, ये गांव में क्या होता जा रहा है? इन लड़कियों की मनमानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लड़ाई झगड़े, और इन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। अगर हालात यही रहे तो हमारे गांव की और लड़कियां भी बिगड़ेंगी। अब तो पुलिस वालों का इनके घर आना जाना भी शुरू हो गया है, हमें ध्यान देना होगा इन बातों पे। तुम यहां बैठकर आराम से तमाशा देख रहे हो, और वहां लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हमारी इज्जत उछाल रहे हैं, हमें बेइज्जत कर रहे हैं। जिन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था वो गांव में खुलेआम घूम रहे क्यों? मैं जानती थी एक दिन हमारे साथ ऐसा भी होगा। हम लड़कियां हैं ना, हमारी इज्जत की तरफ देखा जाएगा, हमें नोचने की कोशिश की जाएगी। मैं अपनी और अपनी बहनों की इज्जत बचाते हुए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही थी। बहुत गलत किया है आपने हमें सपने दिखाकर, हमें अच्छा बनाकर, बहुत गलत किया है। क्या बात है, मुझे बताओ, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। कानून? कौन सा कानून? कानून कभी भी गरीब मजबूर और बेसहारा लोगों का साथ नहीं देता। कानून साथ देता है तो पैसे वालों का, बाहुबलियों का और नेताओं का। और मान लिया अगर आपने उन्हें पकड़ भी लिया ना तो क्या होगा? वो पैसे देंगे और छूट जाएंगे, बस। सिर्फ इतना ही कर सकता है आपका कानून, और कुछ नहीं कर सकता। ये धुम्मन की लड़कियां गांव में गन फैला रही हैं। इनकी हरकत को देख के हमारे गांव की बहन बेटियां क्या सीखेंगी? अगर यही रहा तो हालत बस से बदतर हो जाएंगे, हमें इसका कुछ सुधार करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग? ये मिलकर ही आवाज उठानी होगी हम सबको। मैं सही कह रहा हूं, ये लड़कियां गांव में गन फैला रही हैं, और अब तो ये धंधे पर भी उतर आई हैं। नीचता की हद कर दी लड़कियों ने। अरे मैं तो कहता हूँ इन लड़कियों को गाँव से बाहर निकालो। नेताजी मैं आपको समझा रहा हूँ, लोगों को भड़काना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। थूकता हूँ मैं ऐसी लड़कियों पर। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये गलती उस वक्त मत कर बैठना
जब मेरा भेजा घुमा हुआ हो। चोर! जैन सर, जैन सर, जैन। अरे भाई मंत्री जी आए बैठे हैं, तुमने नेताजी को कैसे गिरफ्तार कर लिया? बिना वारंट कैसे गिरफ्तार कर लिया? कानून अपने हाथ में मत लो। सर हम हर बात को कानून के नजरिए से क्यों देखते हैं? किसी बात का कोई मानवीय पहलू भी हो सकता है, किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं। ये आदमी गांव वालों को भड़का रहा था, इसने एक बच्चे को मारने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसे पकड़ा है। तुम जजाज में आके फैसला ले रहे हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? सर मैं जल्दी से जल्दी सबूत जुटा लूंगा, पर बार-बार कुछ नहीं, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और यहाँ तक कि तुम सस्पेंड भी हो सकते हो। सर मैं खुद आकर वहाँ जांच करूंगा और नेताजी को जल्दी जल्दी छोड़ दो। सर मेरी माफी चाहता हूँ मंत्री जी, आपको तकलीफ हुई और मैं जा रहा हूँ, अभी कार्रवाई करता हूँ। देखिए सर साहब, ये हमारी पार्टी की बड़ी लीडर है जी, तो इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, नहीं जा रहा हूँ। क्या हुआ सर? मामला काफी गंभीर हो गया है, सीओ साहब इधर ही आ रहे हैं, हो सकता है मुझे सस्पेंड कर दें। मेरे साथ कौन कौन गया था गिरफ्तारी पे? सर मैं और सुरजीत सिंह गए थे। तुम दोनों तो जल्दी चले जाओ, कहीं ड्यूटी लगा लो अपनी बाहर, और बाकी लोग भी अपनी ड्यूटी इधर उधर लगा लो, मैं गिरफ्तारी अपने सर ले लूँगा। जाओ। सुनो भाई, हमें सर के लिए कुछ करना होगा, ऐसे ईमानदार दरोगा चौकी पर दोबारा नहीं आने के। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी नौकरियां बचाई हैं, आज भी त्याग किया है, हमें सर के लिए कुछ करना पड़ेगा, जी जान से करना पड़ेगा, उस बदमाश को ढूंढ के लाना पड़ेगा। आज हम सबकी परीक्षा की घड़ी है, हम सर को सस्पेंड नहीं होने देंगे। यहाँ से जा रहे हो या मुझे भेजने पड़ोगे? कट्टे तोड़ दूंगा, एक एक समझ गए ना, ये मुराइयाँ चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। सुरजीत राजीव जी सर, तुरंत चले जाओ दोनों, ठीक है ना, और दो लोग भी चले जाओ, कोई एक आदमी रह जाओ बस, हैं बाकी सब चले जाओ। जैन साहब, हाँ भाई, क्या रहा राजपाल सिंह, तुमने अपनी तरीके छोड़ा नहीं? जी पुष्पेंद्र साहब के लिए कुछ चाय पानी। राजपाल सिंह बैठो। जी साहब ठीक हूँ मैं। क्या हुआ, कोई सबूत मिला? नहीं साहब। फिर तुमने कानून क्यों तोड़ा? चलिए छोड़िए उनको अभी, मैं कप्तान साहब के आदेशानुसार आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। सर आप सर को सस्पेंड कर रहे हो तो हमें भी सस्पेंड कर दो। सर हमें भी कर दो। हमें भी कर दो सर। सर हमें भी कर दो। मैं संकलपुट्टी गांव का प्रधान विकास बालियान। आइए प्रधान जी बैठिए।
सीओ साहब, वैसे तो ये आपके महकमे का मामला है, हमें तो इसमें कुछ कहने का अधिकार नहीं, लेकिन राजपाल सिंह एक बहुत अच्छे पुलिसकर्मी नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा, इन्होंने गांव के अंदर कानून व्यवस्था ही अच्छी नहीं की, बल्कि सामाजिक ताना बाना जो है ना, उसे भी बहुत मजबूती प्रदान की है जी। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा अच्छा, इन्होंने पुलिस की एक बेमिसाल छवि गाँव वालों के अंदर बनाई है। देखिए प्रधान जी, कानून सबके लिए बराबर है, कप्तान साहब का सख्त आदेश है, इनको मुझे सस्पेंड करना ही पड़ेगा। चलिए लॉकअप खोलिए और नेताजी को बाहर निकालिए। सीओ साहब नमस्कार। नमस्कार, माफी चाहते हैं, आपको बहुत तकलीफ हुई। देख रहे हैं अपनी पुलिस को कितनी सेवा की है हमारी। मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, क्या मैं कोई गुंडा हूं, बदमाश हूं, मैं क्रिमिनल हूं, अरे इस इलाके का नेता हूं, कोर्ट तक घसीटूंगा, कोर्ट तक छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट तक लेके जाऊंगा, मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा। राजपाल सिंह, व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रहे हो? साहब, आप सबूत मांग रहे थे ना, सबूत बहुत जल्द आ रहा है, मैं इसे आईपीसी की धारा 307 के तहत कर रहा हूं, आईपीसी 294 महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामले से गिरफ्तार कर रहा हूं, बलबा कराने के आरोप में 147, 148, 149, 120B सोचने के आरोप में। सर ये है सबूत, ये बच्चे पर हमला करने वाले हैं, इन्होंने कबूल किया है कि जो बच्चे पे हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड ये नेता है। तीनों सबूत आपके सामने, कबूलनामा आपके सामने है। राजपाल सिंह, पुलिस विभाग को तुम्हारे ऊपर गर्व है। मेरा नाम है सेरा, आज दरोगा जी ने सारे गुंडों को लाकर चौकी में गिरा। ओके, इनको कस्टडी में लीजिए और कार्रवाई कीजिए। भैया राजपाल। हाँ मानो, नमस्ते जी। हाँ साहब, ये मेरी माँ है। नमस्ते सर जी। ये गांव के प्रधान जी हैं और ये इनके भाई हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। नमस्ते जी। अबे नेता जी, तुम तो नुकरते, तुम्हारे नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत अच्छे संबंध है, ये संबंध है तुम्हारे यहाँ फंसवा दिया, थूक मत नहीं तो चटवा देगा। दरोगा जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, जमीन के लालच और बहकावे में आकर मैंने अपने भाई की बेटियों के साथ बहुत अत्याचार किया है, दरोगा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। दरोगा साहब, सतपाल को अपने किए का एहसास हो लिया, और एक बात और है, जैसा मैंने सुना अगर वो सच है ना, तो इन बेटियों की शादी भी अब हो जानी चाहिए और इनका कन्यादान मैं करूँगा। प्रधान जी, ये हक मेरा है, इस हक को मत छीनो, मैं पहले ही बहुत गुनहगार हूँ, अब तो मुझे अपनी बेटियों की शादी या कन्यादान मुझे करने दो। माँ, जो तू देख के गई थी, देख क्या है वह छोरी, देख ले अब तू पागल समझ रही थी, जिसे जो भी तू समझ रही थी, ये तो इनकी बहनों ने करा जो कुछ करा, इन्हें ना पता था तू मेरी माँ है, और ये चाह नहीं रही थी इसकी शादी कहीं और हो। अच्छा, ये बात ही तो। आजा बेटी, मैंने तो पहली नजर में पसंद कर ली थी, देखिए कैसी सोनी है, मुझे बहुत पसंद है। प्रधान जी, मैं तो किसी और कार्रवाई के लिए आया था, यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा है, बड़ी खुशी की बात है,
लगता कोई और बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। सीओ साहब, ये मामला 1x1 नहीं 6x6 का है। नहीं प्रधान जी, 6x6 में मैं ना हूँ, मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। अरे हवलदार साहब, अपनी उम्र तो देख लो, आपको कब कह रहा हूँ मैं। आओ बेटी आओ। अरे भाई, तुम लोग भी अपने माँ बाप को बुलवा लो। तो प्रधान जी, शादी 1x1 होगी या 6x6 होगी? सीओ साहब, 6 के 6 की बारात एक साथ होगी, सतपाल का खर्चा भी कुछ कम होगा, बहुत मजा आएगा। अजी, मेरा नाम है शेरा, बारात में चाय का ठेका रहेगा मेरा, और ना प्रधान जी खर्चा रहेगा तेरा, ना चाचा रहेगा खर्चा तेरा, सारा खर्चा मेरा, और फिर आराम से करियो फेरा। और सीओ साहब, ये जो कब धरा ना, ये भी है मेरा। चांद महाराज चढ़ा अटारी रे, उड़न की कर ली तैयारी रे, हुसन पे डाका सागे रा, जान या फतमे आरी रे, कसम तेरे माँ की बेरन रे, तू लगे जान तो प्यारी रे, बिगड़ जावेगा के तेरा, तू कर ले पक्की आरी रे, बिगड़ जावेगा के तेरा, तू कर ले पक्की आरी रे। जब जब तने बादल खिंच खिंच जावे से, खेत मारे रह गए सूखे, तू कुड़ सबरंड लगावे से, सुरमा गालिया, जब जब तने बादल खिंच खिंच जावे से, खेत मारे रह गए सूखे, तू कुड़ सबरंड लगावे से, कमर पतली सी लर जावे, तीर ने ना ते बरसावे, मने तू इतना